भारतीय ओलंपिक 2024 में भारत ने एक और मेडल अपने नाम कर लिया। भारतीय रेसलर अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम कैटेगरी रेसलिंग में देश के लिए एक और मेडल जीता है। उन्होंने भारत के लिए ब्रोंज मेडल जीता। अमन सहरावत ने ब्रोंज मेडल मैच में प्यूर्टो रिको के डेरियन क्रूज को हराया। उन्होंने 13-5 से मैच को अपने नाम किया। पूरे मैच में उन्होंने दबदबा बनाकर रखा और कुश्ती में इस ओलंपिक में भारत ने पहला मेडल जीता है। आखिर कौन है अमन सहरावत जिसने इस बार रेसलिंग से भारत को ओलंपिक में मेडल जिताया, आइए जानते हैं। तो वीडियो को पूरा देख लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं कोमल और आप देख रहे हो स्टूडियो अड्डा। अमन सहरावत ने भारत को छठा मेडल कुश्ती में जितवाया है और ये पेरिस ओलंपिक में कुश्ती का पहला मेडल है। और इससे पहले विनेश फोगाट फाइनल में पहुँच कर डिसक्वालीफाई हो गई थी 100 ग्राम एक्स्ट्रा वेट होने की वजह से और भारत में अपना एक और गोल्ड या फिर सिल्वर मेडल खो दिया था। लेकिन विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और इसी के साथ पेरिस ओलंपिक में भारत अब कुल 6 मेडल जीत गया, इसमें से 5 ब्रॉन्ज है तो 1 सिल्वर मेडल है। आइए नजर डालते हैं कि किसने कौन से मेडल किस इवेंट में जीते हैं। मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल और मिक्स शूटिंग इवेंट दोनों में ब्रॉन्ज मेडल। सरबजीत सिंह मिक्स शूटिंग इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल। स्वप्निल कुशाले शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल। भारतीय मेंस हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल। अमन सहरावत रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल और नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता। तो बात करते हैं कि रेसलिंग में भारत को मेडल जितवाने वाले अमन सहरावत आखिरकार है कौन। अमन सहरावत हरियाणा के झज्जर जिले के विरोहार के रहने वाले हैं, जहां उन्होंने शुरू में मिट्टी की कुश्ती में भाग लिया था। 2012 में समर ओलंपिक में सुशील कुमार की रजत पदक जीत से प्रेरित होकर उन्होंने 10 साल की उम्र में उत्तरी दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में दाखिला लिया। जब वो 11 साल के थे तब अलग अलग मेडिकल कंडीशन के कारण उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तो अब बात करते हैं कि अमन सहरावत का करियर कैसा रहा है। अमन सहरावत ने 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब जीता था। वे कोच ललित कुमार के अंडर ट्रेनिंग करते थे। 2022 में अंडर 23 एशियाई चैंपियनशिप में अपने स्वर्ण पदक के बाद सहरावत अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने 2022 के एशियाई खेलों में 57 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। अप्रैल 2023 में उन्होंने अस्ताना में 2023 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। जनवरी 2024 में उन्होंने जोक्रेब ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में पुरुषों की 57 किलोग्राम स्पर्धा में टेक्निकल सुप्रियोरिटी से अपने सभी विरोधियों को हराकर स्वर्ण पदक जीता। सहरावत ने इस्तांबुल में 2024 विश्व कुश्ती ओलंपिक योग्यता टूर्नामेंट में भाग लिया और पेरिस में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भारत को कोटा स्थान दिलाया। WFI ने उन्हें 2024 ओलंपिक के लिए टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता रवि कुमार दहिया के ऊपर चुना। वो पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होने वाले एकमात्र पुरुष रेसलर थे और उन्होंने 57 किलोग्राम कैटेगरी रेसलिंग में देश के लिए एक और मेडल जीता और पेरिस ओलंपिक में ये भारत का रेसलिंग में पहला मेडल है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और ऐसे और भी नए अपडेट्स के लिए स्टूडियो अड्डा को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।